हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर जे एग्ज़ाम जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट कनेक्टेड बाय एच पी एस 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 बी एंड एच पी एस एस सी ऑफ आईटी सो इट कंसिस्ट ऑफ 170 सेवेंटी क्वेश्चन जिसमें कि हमें 85 फाइव uh, मार्क्स के होते हैं और एट और टू आज में करना पड़ता है ठीक है तो हम पहले कंप्यूटर सेक्शन इसका कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एच टी एम एल टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम तो इसका सही आंसर है आपका बी ठीक है अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स तो इसका आंसर है हमारे पास डी दैट इज टर्निंग अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाए हाउ हेडिंग लेवल्स आर एस टी एम एल कितने कांसर आपका सी दैट इज सिक्स अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाए तो फोर्थ वाला है हमारे पास क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यू क्या कौन सा पार्ट नहीं है यू का हमारे पास तो इसका हमारे पास आंसर आ जाते हैं प्रोटोकॉल एस टाइप फ्रेगमेंट एंड डोमेन इसकी ऑप्शन है तो करेक्ट करेक्ट आंसर है हमारे पास बी दैट इज असिस्टाइन अगर हम नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस टी एम एल टैग टू क्रिएट डाटा सेल इन अ टेबल कौन सा है ऑप्शन देखिए सेल डाटा डी आर टी डी तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी दैट इज टी डी तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमल टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज तो इसका आई एम जी फोटो पिक्चर इमेज तो इसका करेक्ट आंसर बात करें हम इज इन डैश सी एस एस स्टाइल स्पेसिफाइड यूजिंग स्टाइल एब्रीट ऑफ एलिमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी दैट इज इंटीरियर इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल इन लाइन इंटरनल और एक्सटीरियस की ऑप्शन है जिसमें कि हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है इसका इंटरनल तो अब नेक्स्ट की तरफ जाए इट विच ऑफ द फॉलोइंग सी एस एस प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ अ एलिमेंट तो इसके हम देखिए तो इसका हमारे पास गटर पैडिंग मार्जिन स्पेसिंग तो इसके हमारे पास ये ऑप्शन है जिसका हमारे पास पैडिंग इसका करेक्ट आंसर है चलो

ज ए चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 कौन सा टेन यू सीरी अलेक्सा और कॉटेना तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी दैट इज कॉटेना अगर हम कॉटेनाथ की तरफ जाए विच मोड इज डिसेबल द डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक अ अल रेडियो वाई एफ ड्यू रुती तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सबके पास सेल फोन है सबको पता है कि किससे हो जाता है ट्रेन रिकवरी हाइबरनेशन तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एयरप्लेन मोड ठीक है तो हम थर्टीन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेर दट अ रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस मालवेर एंड स्पाइवेयर तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है डिफेंडर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विंडो डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग द मिनिमल फंशनैलिटी एंड लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं सेफ फ्लाइट साइलेंट डार्क करेक्ट आंसर है हमारे पास सेफ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए दैट इज फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो टेन कौन सा होता है एज फायरफॉक्स क्रोम इंटरनेट हो जाते इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एज ठीक है अगर हम 15, 16 की तरफ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड फ्री क्लाउड स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स टू ऑफ द यूज़र्स कौन सा हमारे पास एमेजोन ड्राइवर मीडिया ड्राइवर ड्रॉप बॉक्स तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी दैट इज वन ड्राइव अगर हम 17 की बात करें विंडो डेट कंसिस्ट ऑफ अ क्विक एक्शंस एरिया एंड द नोटिफिकेशन एरियाज टू एनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम कंट्रोल पैनल एक्शन सेंटर टास्क बार स्टेटस बास तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी दैट इज एक्शन सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है एक्सक्लेमेशन होता है क्वेश्चन मार्क होता है डॉलर की डैश तो इसमें दो दो है है ऑप्शंस करेक्ट क्वेश्चन मार्क भी है और डॉलर भी है तो दोनों ही सही होते हैं देखते हैं अभी आंसर की में कौन सा ही सही डालता है ठीक है दोनों इसके आंसर करेक्ट आंसर है अगर हम 19 की बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज्ड टू चेक एंड फिक्स अ डिस्क एरर इन अ विंडो विंडोज ओएस तो हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है डिफेंडर स्निपिंग टूल एंड डेफ्रेग एंड सीएचकेडीएसके तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सीएचकेडीएसके विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ विंडो टास्क मैनेजर कौन सा है हमारे पास सीट्र सीट्र प्लस शिफ्ट प्लस टी विंडो की प्लस आर सीटीआरएल प्लस एल्ट प्लस एफ4 की सीटीआरएल प्लस एल्ट

अगर हम ट्वेंटी थर्ड की बात करें विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लासेज इज एस्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर अ रोज एज पर एज द गिवर कंडीशन तो वेयर ऑर्डर बाय फ्रॉम ग्रुप बाय तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ए दैट इज वेयर अगर 24 की बात करें हम विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू एड कॉलम इन अ टेबल तो कौन सी हमारे पास जो जिससे हम क्या ऐड कर सकते हैं न्यू टेबल तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है डी दैट इज ऑल्टर टेबल नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू एन ए स्क्रिप्ट लैंग्वेज इन एस्टिमल डॉक्यूमेंट्स कौन सी जावा स्क्रिप्ट जावा फॉर्म ट्रेन की पैथन तो इसका जावा स्क्रिप्ट करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी एल एस क्यू एल कमांड इंसर्ट क्रिएट डिलीट अपडेट तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास पहले हम जो हमारे पास सारी डिमांड्स होती है उसको देखते हैं कौन कौन सी थी क्रिएट होती है ऑल्टर होती है ड्रॉप होती है और कौन सी ट्रूनकेट होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास बी दैट इज क्रिएट तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यू एल कमांड वाई हैज अ वैल्यू फॉर मोर देन सेवेंटी तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एटीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन एस्टिमेल फ्रॉम टू इंडियो दैट इज नॉट अ लेफ्ट ब्लैंक ये कौन सा होता है हमारे पास तो इसका करेक्ट आंसर है ए दैट इज रिक्वायर्ड अगर ट्वेंटी नाइन की बात करें हम तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ मैक्रोस इन एम एस एक्सल तो इसमें है जावा वी बी ए पी जावा स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वीबीए वीबीए मीन्स विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन अगर हम थर्टी की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीओ कॉम्पोनेंट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एक्जीटिंग एंड इंस्ट्रक्शन तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास पहले हम ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं अर्थमेटिक यूनिट कंट्रोल यूनिट लॉजिक यूनिट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका बी दैट इज कंट्रोल यूनिट थर्टी वन की बात करें द टर्म एस एस आई डी इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क एल ए एन वाई फाई डब्ल्यू पी एन एन एफ सी तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी दैट इज वाई फाई अगर नेक्स्ट तरफ मूव ऑन करें दैट इज थर्टी टू विच विल यू इंसर्ट द सिंबल इन एच टी एम एल तो कौन सा होता है ये आपके लिए क्वेश्चन है अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि ये बहुत इजी है आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा नेट पे तो आप मुझे इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर हम थर्टी थ्री की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर जी ओ आई लिनिक्स टेस्ट ऑफ इन्वायरमेंट तो इसका हमारे पास है जीनोम ग्रैप जी आई एम पी जी आई एस टी तो इसका हमारे पास थर्टी uh, थ्री का आंसर आ जाता है जीनोम जी एन ऑमी विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन अ लेयर थ्री आई एस ओ ओएसआई रेफरेंस मूड हब रूटर स्विच रिपीटर तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है बी दैट इज रूटर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ सी डी इज ऑल्सो नोन एज डैश डाटा टू द सी डी दैट इज बर्निंग फायरिंग स्टैशिंग फ्राइंग तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज बर्निंग

ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फेच द रोज फ्रॉम द एम टेबल कितने हमारे हमारे पास? पास तो इसका D, that is 39 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूल स्टेटमेंट इन डिलीट और डाटा बेस्ट टेबल कौन सी हमारे पास होती है डिलीट डाटा टेबल डिलीट फ्रॉम हो जाएगा ड्रॉप टेबल होगा कि डिस्ट्रॉय टेबल होगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास अगर हम फोर्टी की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सी एस एस रूल कौन सा है हमारे पास उसमें करेक्ट सी एस एस रूल बताया हुआ है ठीक है तो हमारे पास इसमें है आंसर डी करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमल टैग इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल सी एस एस फाइल इन अ वेब पेज सी एस एस लिंक स्क्रिप्ट स्टाइल तो हमने इंटरनल ऊपर पढ़ ली और एक्सटर्नल अभी पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल में क्या है हमारे पास दैट इज बी लिंक सो so, हमारा पेपर यहीं पे खत्म होता है ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन अगर हम नेक्स्ट वाले सेक्शन की बात करें तो है जीके सेक्शन जीके सेक्शन के लिए मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू